हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपी टू यूके। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं आप लोगों को 10 ऐसी सिटी मतलब ऐसे टाउन्स बताऊंगा जहाँ पर आप आके रह सकते हैं। जैसे लंदन में आप लोग आ रहे हैं, अब स्टूडेंट्स आएंगे या फिर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आते हैं, तो लंदन जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, आप लोगों को सबको पता है। और लंदन में अकोमोडेशन भी इतना ईजिली नहीं मिलता है, ठीक है। तो आज मैं आपको उसके ऑल्टरनेटिव्स बताऊँगा कि आप लंदन के अलावा और उसके आसपास कहाँ रह सकते हैं जहाँ से आप इजीली कम्यूट कर सकें, इजीली ट्रैवल कर सकें। क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि लंदन में इस टाइम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ है और मिलना भी अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इतना इजी नहीं है लंदन में अकोमोडेशन मिलना। तो उसी के लिए आज मैं ऑल्टरनेटिव बताता हूँ आपको, लगभग 10 ऑल्टरनेटिव बताऊँगा आपको, ठीक है। और जितने भी ये ऑल्टरनेटिव्स हैं सब में जो मैं आपको बताऊंगा ये सब जो है फैमिली के हिसाब से हैं, ठीक है। आप बिल्कुल फैमिली के साथ रह सकते हैं यहाँ पर, और चीप है ये, और स्कूल्स वगैरह सब अच्छे हैं यहाँ पर, सारे शॉपिंग मॉल्स वगैरह हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, तो मतलब किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आपको हर चीज़ मिलेगी यहाँ पर इन टाउन्स में, और सेफ़ हैं, क्राइम भी ज़्यादा नहीं है इन सिटीज़ में, बहुत कम क्राइम है। कुछ तो बहुत छोटे छोटे टाउन्स हैं, तो इस तरीके के टाउन में अगर आप रहेंगे तो आप अपना जो मनी है वो सेव कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लंदन में रहना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। और जो स्टूडेंट्स आते हैं मोस्टली वो लोग क्या होता है कि 2 दिन क्लासेस होती हैं वीक में या 3 दिन क्लासेस होती हैं, तो मोस्टली क्या करते हैं वो साइड इधर उधर ही रहते हैं, मतलब प्रॉपर टाउन में नहीं रहते, क्योंकि लंदन जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं उनको बता दूं, मेरा नाम विवेक मसीह है, मैं यूपी इंडिया से बिलोंग करता हूं, मैं इस टाइम यूके में हूं, ठीक है। गाइज, मैंने आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है जिसमें मैं जॉब्स रिलेटेड पोस्ट करता रहता हूं, और आप लोगों को अगर मेरे से कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो भी आप मेरे से टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट। चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो नंबर 1 जो कि लंदन के लिए ऑल्टरनेटिव है मेरे पास सबसे अच्छा, वो है रेड हिल। लंदन से आप अगर सेंट्रल लंदन से अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो 30 मिनट लगेंगे वहाँ से, और बहुत ज़्यादा पीसफुल एरिया है, बहुत सुंदर है, और सब कुछ मिलेगा आपको वहाँ पर। यहाँ पर जो रेंट रहता है मैं बताऊँ आपको, अगर आप सिंगल बेड के लिए देखेंगे, पूरा सिंगल नॉट शेयर्ड नहीं, जो आप पूरा अपना अगर 1 बेडरूम लेते हैं तो लगभग आपको £1,000 के आसपास मिल जाएगा इसमें, ठीक है। वही अगर आप 2 बेडरूम के आसपास जाते हैं तो आपको 1300 से 1300 से लेके £1500 तक में मिल जाएगा आपको 2 बेड, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा चीप है एज़ कम्पेयर टू लंदन। उसके बाद नंबर 2 आता है मेरी लिस्ट में, वो है एपिंग। एपिंग जो है वो लगभग 40 मिनट्स की ड्राइव पर है, सॉरी ड्राइव नहीं, सेंट्रल लंदन से ट्रेन से अगर आप जाएंगे तो लगभग 40 मिनट्स लगेगा। यहाँ पर जो अकोमोडेशन का रेट है वो लगभग आपको वही 1000 के आसपास आपको 1 बेडरूम मिल जाएगा, और लगभग 1400 से 1500 की रेंज में आपको मिल जाएगा 2 बेड। नंबर 3 पे आता है, वो है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड एक काफ़ी अच्छा टाउन है, बहुत सुंदर टाउन है, और ये लगभग 35 से 40 मिनट्स लगते हैं सेंट्रल लंदन से ट्रेन से। और यहाँ पर आपको रेंट जो मिलेगा लगभग 1000 से लेके 1400 के बीच में मिलेगा, वही 1 बेडरूम मिल जाएगा 1000 तक का, और 2 बेडरूम वही 1300, 1400, 1500 की रेंज में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप शेयर्ड में रहना चाहेंगे तो शेड में यहाँ पर सबके प्राइस जो हैं वो 400-500 की रेंज में ही है, ठीक है, शेड अकोमोडेशन के। नंबर 4 है मेरी लिस्ट में, वो है रीडिंग। रीडिंग आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने नाम सुना भी होगा, ठीक है। आप रीडिंग को कंसिडर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं रीडिंग के बारे में। यहाँ पर भी क्राइम रेट बहुत कम है और फैमिलीज के लिए बिल्कुल सेफ प्लेस है। यहाँ पर जो अकोमोडेशन की कॉस्ट है वो लगभग £1000 के आसपास आपको 1 बेड मिल जाएगा, और 2 बेड आपको लगभग £1400 के आसपास मिल जाएगा। शेयर्ड अकोमोडेशन की बात करें तो लगभग £300 से £400 में आपको शेयर्ड अकोमोडेशन भी यहाँ पर मिल जाएगी। नंबर 5 है मेरी लिस्ट में डार्टफोर्ड।
जो कि कैंट में कैंट काउंटी में आता है, और यहाँ से अगर आप ट्रैवल करेंगे तो यहाँ से आपको लगभग 40 मिनट्स लगेगा, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, 40 मिनट्स लगेगा आपको। और यहाँ पर आपको अकोमोडेशन जो है वो बहुत ईजिली मिल जाती है, और यहाँ पर जो अकोमोडेशन लगभग 900 टू 1000 पाउंड में आपको वन बेडरूम मिल जाएगा, और टू बेडरूम की बात करें से तो 1300 से 1400 पाउंड में आपको टू बेडरूम ईजिली मिल जाएगा। वहीं शेयर्ड अकोमोडेशन जो है वो आपको वही 300 से 400 की रेंज में मिलेगा। नंबर 6 है मेरी लिस्ट में, वो है चाथम इन कैंट, जो कि जहाँ पर मैं रहता हूँ कैंटरबरी, वहाँ से हार्डली 10-15 मिनट्स की दूरी पर है। बहुत पीसफुल एरिया है, बहुत छोटा सा टाउन है, और यहाँ पर आप इजीली कम्यूट कर सकते हैं, लगभग 40-45 मिनट्स लगेगा यहाँ से कम्यूट करने में। यहाँ पर अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा चीप है, आपको वन बेडरूम मिल जाएगा लगभग 700 से 800 पाउंड में मिल जाएगा, और अगर आप टू बेडरूम की बात करें तो 1100 पाउंड में टू बेडरूम मिल जाएगा, और 1300-1400 पाउंड में जाकर आपको थ्री बेडरूम यहाँ पर मिल जाएगा ईजिली। बहुत छोटा सा टाउन है, बहुत पीसफुल एरिया है, स्कूल्स वगैरह हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और बहुत ही सुंदर टाउन है ये। मैं अक्सर जाता रहता हूँ वहाँ पर घूमने के लिए, तो बहुत ही सुंदर प्लेस है। अगर आप थोड़ा सा दूर कंसिडर कर सकते हैं तो आप यहाँ पर चाथम भी देख सकते हैं। नंबर 7 पे है हिचिंग हेड, जो कि लगभग 40 मिनट्स की दूरी पर है लंदन, सेंट्रल लंदन से, ठीक है। यहाँ पर भी क्राइम रेट बहुत कम है, और यहाँ पर जो आपको अकोमोडेशन मिलेगा वो लगभग 800 से लेकर 900 पाउंड में आपको वन बेडरूम मिल जाएगा, और लगभग 1300-1400 पाउंड में टू बेडरूम मिल जाएगा इजीली, ठीक है। यहाँ पर भी स्कूल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह सब मिलेंगे आपको, अपनी इंडिया एशियन कम्युनिटी, जितने भी टाउन्स बताए हैं मैंने, सब एशियन कम्युनिटी सब जगह मिलेगी आपको। नंबर 8 पे है मेरी लिस्ट में ल्यूटन बेडफोर्डशायर, लगभग 35 मिनट्स की दूरी पर है सेंट्रल लंदन से, और यहाँ पर अगर अकोमोडेशन की बात की जाए तो लगभग आपको 900 से 1000 पाउंड में वन बेडरूम मिल जाएगा, और टू बेडरूम की बात करें तो 1300-1400 पाउंड में आपको टू बेडरूम मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको स्कूल्स मिलेंगे, हाई क्वालिटी स्कूल्स मिलेंगे, आपको सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, मैक्सिमम अपनी फैमिली के साथ ईजिली सेटल हो सकते हैं यहाँ पर, आपको अपने बच्चों के साथ सेफ फील कर सकते हैं इन सारे ऑल्टरनेटिव्स में। लंदन में आप जानते हैं कि क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, तो आप बेटर है कि इन सारे ऑप्शन जितने मैंने बताए इनमें से सर्च करें। नंबर 9 है मेरी लिस्ट में हेटफील्ड हर्टफोर्डशायर, ठीक। हेटफील्ड में भी आपको अकोमोडेशन ईजिली मिल जाएगा, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता है। यहाँ पर भी अकोमोडेशन का रेट लगभग वही 800-900 पाउंड में आपको वन बेड मिल जाएगा, और 1300-1400 पाउंड में जाके आपको टू बेड मिल जाएगा ईजिली। लंदन से ज़्यादा दूर नहीं, लगभग 35-40 मिनट की दूरी पर इतने सारे टाउन्स आपको मैंने बताए हैं, ये सारे टाउन्स कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि लंदन में इस टाइम अकोमोडेशन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो गया है, ठीक है। तो ये सारे जो ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब फैमिली के साथ रहने वाले ऑप्शंस हैं, आप इन सब ऑप्शंस को कंसीडर कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन जो है मेरी लिस्ट में वो है नॉर्थहैम्पटन, जो कि बहुत सारे लोग रहते भी हैं, जानते भी हैं, और 45 मिनट्स की दूरी 45 मिनट्स लगते हैं सेंट्रल लंदन से अगर आप बाय ट्रेन जाएंगे तो। और यहाँ पर बहुत सारी एशियन कम्युनिटी है, जॉब्स के ऑप्शन बहुत सारे हैं, ठीक है। चीप है नॉर्थहैम्पटन, आप लोगों को पता ही है, और क्राइम रेट भी इतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू लंदन, और स्कूल्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स वगैरह सब हैं, और ये सब बिल्कुल आप फैमिली के साथ ईजिली सेटल हो सकते हैं इन सारे टाउन्स में, ठीक है। तो ये थे 10 टाउन्स जो कि ऑल्टरनेटिव्स हैं लंदन के, जहाँ पर आप ईजिली रह सकते हैं और ईजिली कम्यूट कर सकते हैं। सिर्फ लंदन के बारे में नहीं, इधर उधर के भी सोच सकते हैं आप, ताकि आप थोड़ा सा अपना पैसा बचा सकें और आपको अकोमोडेशन ईजिली मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, और वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।